साथियों, ये कहानी 14 फरवरी पुलवामा घटना से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए। हर घर, हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कई ऐसी कहानियां मिली जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हमला यहाँ भी हुआ होगा। आज भी फोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूंगी। आज फोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे तो कोई फूली भेज देते, व्हाट्सएप पर ही सही। पर नहीं, इन्हें कहाँ समय हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल से तो बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसको चूमते हुए फोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की जलन साफ देखने को मिल गई थी। फिर क्या कहना है। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने के लिए चला गया। हालांकि इन 10 दिन में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी जिंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज राजेश के फोन का इंतजार में घंटों फोन के पास ही बैठी रहती थी। सोचती रहती थी कि अब आ रहा होगा फोन, अब आ रहा होगा फोन। आज भी वह सुबह से राजेश के फोन का इंतजार कर ही रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने लगी कि आपके बेटे का फोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर पीछे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी और देखने की कोशिश करी कि देखते हैं सासू माँ के मिल जाए, कुछ बात पता चले, कोई ससुर जी से पता चले। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में से एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फोन पर वह यही तो कह रहे थे, यही तो जाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया, ये सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई और फिर सोचने लगी। तभी अचानक से भी सोचने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ होगा। उसके मन में भी उधेड़ बुन चालू हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने फ़ोन किया भी नहीं और फ़ोन उठाया भी नहीं रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यह घटना भी एक उसके लिए एक हथगोले के असर से कम नहीं था। लेकिन तभी धीरे से वह देखती है कम हुआ हथगोले के असर से कम असर नहीं था जब कम हुआ धुंधला का छटा तो धुंधलापन जब छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहे गबाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीट करके पीछे बैठे कभी फ़ोन को देख रहे थे तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल का रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था जिस पर दिल का निशान। देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। अब बताइए दोस्तों कि आपको नहीं लगता कि विस्फोट सिर्फ वहाँ पुलवामा में नहीं, विस्फोट तो यहाँ राजेश के घर में भी हो गया। इसी को कहते हैं विस्फोट यहाँ भी हुआ होगा दोस्तों। आप बताइए।